अलवर जिला ब्राह्मण महासभा की समस्त कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह रविवार को ब्राह्मण छात्रावास में आयोजित किया गया। इस दौरान शहर विधायक संजय शर्मा, कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा, भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष पूजा कपिल पंडित, धर्मवीर शर्मा, फिलहारी आश्रम से सुंदराचार्य महाराजा सहित ब्राह्मण समाज की समस्त कार्यकारिणी मौजूद थी। इस दौरान आए हुए अतिथियों का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। उसके बाद अतिथियों ने पूरे कार्यकारिणी को शपथ दिलाई और इस दौरान अध्यक्ष विशंभर दयाल वशिष्ठ ने बताया कि चुनाव होने के बाद कार्यकारिणी का आज शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें जिले भर से समाज के गणमान्य लोग पहुंचे और कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने बताया कि समस्त कार्यकारिणी समाज के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए कार्य करेगी, जो समाज के भामाशाह और दानदाता और उनके प्रत्येक अनाथ और उनके द्वारा प्रत्येक अनाथ बच्चों को गोद लिया जाएगा। इसके अलावा समाज के बच्चों के लिए शैक्षणिक संस्था खोलकर उनको शिक्षित करने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम वेद महाविद्यालय का गठन किया जाए, जिससे कि समाज के बच्चे वेद ग्रंथ के बारे में जागरूक हो। इसके अलावा ब्राह्मण समाज में फैली कुरीतियों लेकर समय समय पर साल में 2 बार सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे और समाज में फैली कुरीतियों का निदान करने का कार्य किया जाएगा। इसके अलावा समाज को जागरूक करने का भी कार्य किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पहले भी समाज द्वारा सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित होते हैं, इसमें जिसमें समाज की पूरी महत्वपूर्ण भागीदारी रही है, लेकिन कुछ समय के बाद यह सामूहिक विवाह सम्मेलन समाज द्वारा बंद कर दिया गया था, लेकिन अब इसको लेकर सामूहिक विवाह सम्मेलन समय समय पर आयोजित कराया जाएगा। इसके अलावा समाज में दहेज प्रथा को खत्म कर गरीब युवक युवतियों का सम्मेलन करवाकर उनको विवाह के बंधन में जोड़ने का कार्य भी किया जाएगा। चुनाव के बाद प्रथम बड़ा कार्यक्रम था और इसमें जितने भी बंधु आए हैं सारी तहसीलों से, पूरे अलवर जिले से, उन सबसे मेरी यही अपेक्षा है इस समाज के राजनीतिक आर्थिक सामाजिक उत्थान के लिए वो काम करें और ऐसे दानदाता जो समाज में योगदान दे सकते हैं वो अनाथ बच्चों को गोद लें, उनके पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करें, सामूहिक विवाह में सहयोग करें, गरीब परिवारों में उनकी आर्थिक गुजारे के लिए उनका सहयोग करें और शैक्षणिक दृष्टि से भी समाज को कुछ ना कुछ ऐसी शैक्षणिक संस्थाएँ डालनी चाहिए जिनसे ब्राह्मण बच्चों का उत्थान हो। और उसमें सर्वप्रथम हमारा दायित्व वेद विद्यालय, वेद महाविद्यालय और वेद विश्वविद्यालय का हमारी कल्पना है और इस समाज में जितनी भी व्याप्त कुरीतियाँ हैं उनके समाधान के लिए भी समय समय पर हम सम्मेलन कराएंगे, साल में 2 सम्मेलन कराया करेंगे, कुरीतियों पर प्रहार किया करेंगे, जहाँ भी कुरीति की सूचना मिलेगी उसके लिए निदान के लिए हम जाया करेंगे और समाज को जागृत करने का काम अलवर जिला ब्राह्मण सभा का है और वो हम पूर्ण रूप से कर रहे हैं। अभी एक नवाचार की आपने घोषणा की कि हम सामूहिक विवाह कराएंगे जी, क्योंकि ये पहली बार होगा, किस तरह का आयोजन होगा, हम इसको किस तरह क्रियान्वित करेंगे? नहीं, पहले भी समाज में सामूहिक विवाह होते आए हैं और हम भी उसके भागीदार बने हैं, लेकिन बहुत अरसे बाद ये बंद हो गया था, बहुत अरसे बाद पुनः हम इसको चालू करेंगे और इसकी परिकल्पना ये है, बहुत गरीब परिवार हैं जो अपने बच्चियों का आज दहेज के द्रूपी दानव समाज में इतना व्याप्त हो चुका है कि उसके आगे गरीब बच्चियां जो योग्य हैं, पढ़ी लिखी हैं, शिक्षित हैं, सुंदर हैं, लेकिन वो अच्छे परिवार उनको ग्रहण नहीं करते हैं, कारण कि दहेज नहीं है उनके पास। ऐसी कुरीतियों के विरुद्ध हमें काम करना चाहिए और मैं कहता हूँ समाज के जो अग्रणी लोग हैं उनको इस सामूहिक विवाह में स्वयं पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि एक उदाहरण प्रस्तुत हो और उन गरीब परिवारों की हमको तो आर्थिक सहायता करने का हमारा एक लक्ष्य है और हम इसमें निश्चित रूप से सफल होंगे और मैं समझता हूँ अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा। विशंभर दयाल वशिष्ठ, जिला अध्यक्ष, अलवर जिला ब्राह्मण सभा।